हेलो बच्चों जय हिंद जय राजधानी तो पिछले क्लास में हम लोग एनिमल हजबेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग वगैरह कर चुके थे है ना अब चलो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं बची हुई जो हमें डिस्कस करना है तो उसमें सबसे पहले बी कीपिंग है ना मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं है ना तो मधुमक्खी पालन के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है क्या यूज़ किया जाता तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ए पी कल्चर एपी कल्चर, यानी मधुमक्खी पालन ओके okay. तो ये जो मधुमक्खी पालन है इसके लिए मधुमक्खी चाहिए यानी हनी बीज चाहिए हनी बीज ओके okay. यानी मधुमक्खी तो आपको पता ही है बच्चों कि ये जो मधुमक्खियां हैं ये फाइलम कॉर्डिटा सॉरी फाइलम आर्थोपोडा क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर इमेनो पटेरा ठीक है हाइमेनो पटेरा से बिलोंग करता है यानी संध हो गया क्या आर्थोपोडा हो गया क्लास वर्ग जो इसका हो गया वो कीट और गण जो है वो हाई मेनो टेरा हाईमेन मीन्स होता है बच्चों झिल्ली और टेरा जो टर्म है इसका मतलब होता है विंग्स यानी इनके जो पंख होते हैं बिल्कुल पतले झिल्ली के जैसे होते हैं इसलिए हाइमेनोपटेरा टर्म यूज किया गया तो ये हनी बीज जो है बच्चों तो आपको पता ही है कि हनी बीज में तीन कास्ट होते हैं है ना तीन सदस्य होते हैं एक जो सदस्य है उसे कहते हैं क्वीन दूसरा जो है उसे कहते हैं वर्कर्स और तीसरा जो सदस्य है उसे ड्रोन्स कहते हैं है ना रानी श्रमिक तथा ड्रोन ठीक है तो ये जो हनी बीज है बच्चों ये इस तरह से पेड़ों पे या छज्जे पे मकान के छज्जे पे इस तरह से देखो छत्ता लगाते हैं तो ये जो छत्ता दिख रहा है इसे क्या कहते हैं हाइव कहते हैं हाइव ठीक है यानी छत्ता ओके okay. तो इस छत्ते में ये करते क्या है तो इस छत्ते में ये शहद यानी हनी आ, संचित करते ठीक है हनी कलेक्ट करते और इनका जो छत्ता होता है वो क्या है किस चीज़ का बना होता है तो इनका छत्ता जो है मोम का बना होता है ठीक है तो यानी इस आ, हनी बी से इस हनी बी से बचे हमें क्या क्या मिल रहा है तो हनी बी से हमें मिल रहा है हनी मधुमक्खियों से हमें हनी मिल रहा है वैक्स मिल रहा है यानी मोम शहद मोम ठीक है और एक और भी चीज़ है जिसका मेडिकल यूज है चिकित्सा में यूज है वो है वेनम बी वेनम बी वेनम यानी विष मधुमक्खी का विष ठीक है तो ये जो हनी बीज है बच्चों इनसे हमें शहद मिलता है वैक्स मिलता है और विष यानी वेनम मिलता है ठीक है तो हनी का तो आप जानते हैं इस्तेमाल क्या है तो ये जो आ, तीन कास्ट है ठीक है क्वीन वर्कर्स एंड ड्रोन्स तो इसमें जो वर्कर होते हैं ये एस्टराइल फीमेल होते हैं यानी बंध मादा होते हैं ठीक है थेके? ये जो क्वीन है बच्चों ये फर्टाइल फीमेल है यानी जनन में जनन छम्य मादा है तो ये अंडे देती है इनका काम है एग लेंग करना अंडे एग लेंग अंडे देना ठीक है ना ये अंडे देती है और ये जो वर्कर्स हैं ये भी फीमेल्स ही हैं ठीक है लेकिन ये बंध होते हैं एस्टेराइल फीमेल है देआर एस्टेराइल फीमेल्स यानी बंध मादा ओके ये अंडे नहीं देती हैं और इनका बस काम है इंडोर और आउटडोर ड्यूटी निभाना यानी ये हाइप के अंदर के और हाइप के बाहर का काम करते हैं ठीक है हाइप जो है यानी छत्ता जो है इसे बनाता कौन है तो ये वर्कर्स ही बनाते हैं ठीक है इनके बॉडी पे जो है वैक्स ग्लैंड वर्कर्स जो होते हैं इनके बॉडी पे क्या होता है वैक्स ग्लैंड होता है यानी मोम ग्रंथियां होती है मोम ग्रंथियां ओके okay, मोम ग्रंथियां होती है और ये जो है उसी मोम ग्रंथि से मोम का सिक्रीशन होता है इनके एबडोमिन पे, ठीक है इनके उधर पे मोम ग्रंथियां होती है तो उसे मोम का स्त्रावन होता रहता है तो उसे वो खरोच के निकालते हैं और उसी से ये हाइप बनाते हैं ये जो हाइप दिख रहा है ना इसे बनाते हैं ठीक है तो मोम जो है बच्चों ये आ, रियल प्रोडक्ट है किसका हनी का एक रियल प्रोडक्ट है यानी उसके बॉडी का खुद का स्त्रावन है और उसी तरह से ये जो वर्कर बीज होते हैं बच्चों तो इनके पास स्टिंग होते हैं क्या होते हैं स्टिंग यानी डंक होते हैं और उस डंक में जो है पॉइजन ग्लैंड होता है यानी विष ग्रंथियाँ होती है ठीक है विष ग्रंथि और उसी विष ग्रंथि से ये बी वेनम यानी विष स्त्रावित होता है तो इस विष का इस्तेमाल जो है बच्चों अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द न्यूरेल्जिया न्यूरेल्जिया मीन्स नस में जो है अगर पेन हो तो उसके इलाज में भी इस विष का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और जिसे अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द है उसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये दोनों जो है ये रियल प्रोडक्ट हैं किसके हनी बीज के रियल प्रोडक्ट ठीक है ओके okay. अब क्या है बच्चों की हनी uh, ठीक है तो ये वर्कर बीज जो होते हैं यही हनी कलेक्ट करते हैं ठीक है तो ये uh, फूल और फल के uh, पराग को रस को जो है पीकर uh, अपने क्रॉप में अपने आहार नाल में जमा कर लेते हैं और उसमें लार मिक्स करते हैं तो लार में जो उपस्थित एंजाइम्स होते हैं उस पराग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस पराग को कन्वर्ट कर देते हैं शहद में और उस शहद को ये जो हाइब है इस हाइब में जो छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं तो उन्हें कहते हैं सेल जो कोस्ट बने होते हैं हाइब में छत्ते में ठीक है ना जो कोस्ट होते हैं उन कोस्टों में ये उसे जमा करते हैं ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सकें ठीक है ना तो ये एक रियल प्रोडक्ट नहीं बल्कि कन्वर्टेड प्रोडक्ट है यानी रूपांतरित उत्पाद है ये ठीक है पराग फूलों के पराग को फलों के रस को जो है ये क्या करते हैं कि अपने लार ग्रंथि के एंजाइम से लार के एंजाइम से शहद में परिवर्तित करते हैं क्लियर और इस हनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बच्चों ठीक है ये आ, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में ब्रेड बिस्किट ठीक है एल्कोहलिक बिबरेजेज ठीक है उसके बाद ब्यूटी लोशंस कॉस्मेटिक्स इन सब को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है मेडिकली uh, uh, इसका जो इस्तेमाल है यानी मेडिसिनल यानी दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं ये कफ़ कोल्ड को दूर करता है ठीक है सर्दी खांसी को खून बढ़ाता है पेट साफ करता है है ना तो बहुत सारे इस्तेमाल है शहद के ठीक है और ये स्वीट टेस्ट का होता है यानी मीठा स्वाद होता है इसका और ये कई फ्लेवर में मार्केट में अवेलेबल हैं ठीक है ओके okay. बात समझ में आ गई तो ये जो हनी कलेक्ट करने का काम है बच्चों ये वर्कर बीज करते हैं सिर्फ वर्कर बीज करते हैं ठीक है ना यानी श्रमिक जो मधुमक्खी होते हैं सिर्फ वही करते हैं ठीक अब ये जो ड्रोन्स है बच्चों ठीक तो ये मेल है फर्टाइल मेल है यानी जन छम्य नर ठीक है लेकिन ये अनिशेचित अंडे से उत्पन्न होता है इसलिए ये अगुणित यानी हेप्लॉयड इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है जबकि ये जो क्वीन एंड ड्रोन्स हैं ये दुई गुणित होते हैं द्विगुणित गुणित ठीक है ये दुई गुणित होते, होते हैं और ये निषेचित अंडे से आ, इनका निर्माण होता है तो इसलिए डिप्लॉयड होते हैं क्लियर ओके अब क्या है कि बच्चों ये जो हनी बीज हैं यानी मधुमक्खियाँ ये एक सोशल सामाजिक कोलोनियल समूह बनाकर रहने वाले एंड पॉलीमॉर्फिक बहुरूपी ठीक है यानी सामाजिक सामूहिक तथा बहुरूपी कीट है इंसेक्ट ठीक है ना बहुरूपी कीट है ओके तो हनी आ, बीज के बारे में तो हम समझ गए ठीक है और इनमें यह ध्यान रखोगे कि जैसे कॉलोनियल बोला जा रहा है तो ये सिर्फ समूह ही नहीं है बल्कि इनके बीच डिवीजन ऑफ लेबर भी है ठीक है डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब श्रम विभाजन भी है श्रम विभाजन ठीक है तो जैसा अभी मैंने बताया था कि ये जो वर्कर बीज होते हैं ठीक है थेके? इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है हाइप में ठीक है और इनमें ये ध्यान रखोगे काम का बंटवारा होता है अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर बीज होते हैं और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि इनके इनकी जो ड्यूटी है इनका जो काम है वो भी बदलता जाता है क्लियर तो ये आ, इंसेक्ट जो है इसमें जो हनी बी जो हाइब है छत्ता है इसका तो इसमें जो मेन है वो है आ, वर्कर्स ठीक है ना ये वर्कर्स सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं तो क्लियर अब क्या है बच्चों हम लोग बी कीपिंग की बात कर रहे थे तो आजकल क्या है कि बी कीपिंग जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ठीक है ये बी कीपिंग जो है अब जैसे ये हाइव जो दिख रहा है ये एक नेचुरल हाइव है इसे मधुमक्खियों ने खुद बनाया लेकिन हम जो पालन करेंगे तो इस तरह के बक्से में लकड़ी के बक्से में पालन करते हैं ठीक है तो इन बक्सों को हम कहते हैं क्या एपीयरी क्या कहते हैं ए ओके इन बक्सों को एपीयरी कहते हैं क्लियर तो ये बक्से जो है हमें ट्रेडर से विक्रेता से बहुत आसानी से मिल जाता है और इन बक्सों को क्या करना होता है तो इन बक्सों को रखना होता है ऐसे जगह पे जहाँ पे आ, बाग बगीचे हो, फसल हो वैसे जगह पे रखना होता है ठीक है तो ये जो हनी बीज होते हैं या तो इन्हें खुद ही ढूंढ के इसके अंदर अपना कॉलोनी ठीक है अपना घर बना लेते हैं या फिर हम ट्रेडर से यानी विक्रेता से जो है ना क्वीन बीज यानी जो रानी मक्खी है वो और कुछ वर्कर्स ला सकते हैं खरीद कर और इसमें रख कर कॉलोनी को बसा सकते हैं ठीक है क्लियर तो हनी आ, बी कीपिंग करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हनी बीज चाहिए है ना तो बीज जो होते हैं उनके कई स्पीसीज होते हैं हनी बीज तो बीज के क्या होते कई स्पीसीज होते ठीक है ठेके? अब जैसे एक स्पीसीज है जिसको कहते हैं एपिस डोरसाटा तो इसे रॉक हनी बी कहते हैं रॉक बीज कहते हैं ठीक है ठेके? क्या है ये एपिस डोरसाटा तो इसे रॉक बी कहते हैं रॉक बीज ठीक है ना तो ये जो है बहुत ही आ, इरिटेबल नेचर का होता है ठीक है इसे पालना मुस आसान नहीं है ठीक है इसका हम पालन नहीं कर सकते ये मनमौजी किस्म का बी है और आ, बहुत ही जल्दी ये अटैकिंग नेचर का भी होता है ठीक है तो इसे हम पाल नहीं सकते एपिस इंडिका एपिस इंडिका तो ये जो एपीएस इंडिका है बच्चों तो ये इसे ओरिएंटल बीज कहते हैं क्या कहते हैं ओरिएंटल बीज ओरिएंटल बीज तो ये जो ओरिएंटल बीज होते हैं बच्चों ये बहुत ही सीधे साधे नेचर के होते हैं जेंटल नेचर के होते हैं तो जनरली जो है इनका पालन किया जाता है ठीक है जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसमें कौन से बी की स्पीसीज़ को कौन सी जाति को इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला हनी आ, बीज इस्तेमाल करते हैं एपिस इंडिका इसके अलावा और भी कई स्पीसीज़ है बच्चों जैसे एपिस आ, फ्लोरिया है एपिस मेलीफेरा है एपिस एडमसोनी है है ना कई स्पीसीज होते हैं अब जैसे एपिस फ्लोरिया है इसे लिटिल बीज कहते हैं क्या कहते हैं लिटिल बीज एपिस मेलिफेरा है इसे यूरोपियन बीज कहते हैं यूरोपियन बीज और एपिस एडमसोनी है इसे अफ्रीकन बीज कहते हैं ठीक है ठीके? तो सबसे बढ़िया जो वैरायटी है मधु मधुमक्खी पालन के लिए तो ये है एपिसेंडिका अब मधुमक्खी पालन के लिए जो बक्सा है जिसे एपियरी कहते हैं उसे तैयार कैसे करते हैं और उस बक्से में क्या होता है बच्चों चलो उसको डिस्कस करते हैं तो होता क्या है कि ये जो आ, एपियरी है इसमें दो तरह के बक्से होते हैं एक बक्सा जो सबसे नीचे रखा जाता है बच्चों वो सबसे बड़ा बक्सा होता ठीक है इसे हम कहते हैं ब्रूड चैम्बर, क्या कहते हैं ब्रूड चैम्बर तो ये जो ब्रूड चैम्बर है बच्चों ये एक तरह का हाइब होगा यही आगे जाके क्या बनेगा एक तरह से उसका घर बनेगा और ब्रूड का मतलब ब्रीडिंग जनन कोष्ठ, जनन कोष्ठ कहेंगे तो ये जो जनन कोष्ठ होता है बच्चों ये ऊपर से खुला होता है ठीक है ना ये ऊपर से खुला होता है और इसमें वर्टिकल फ्रेम्स लगे होते हैं इस इस तरह से वर्टिकल फ्रेम्स लगे होते हैं किस चीज के मोम के ठीक है तो ये जो दिख रहे हैं लाइंस ये एक्चुअली क्या है मोम के बने हुए प्लेट्स हैं बच्चों ये है मोम का बना हुआ प्लेट है ठीक है ना देखो और इस मोम प्लेट वैक्स प्लेट बोलते हैं इसको मोम प्लेट और इस मोम प्लेट पे इस तरह से हेक्सागोनल यानी सटकोनीय प्रिंट बने होते इस तरह से तो इसे कहते हैं कॉम्ब फाउंडेशन क्या कहते हैं कॉम्ब फाउंडेशन तो इस तरह का जो प्रिंट है बच्चों ये दोनों साइड बना होता है मोम के प्लेट पे दोनों साइड बना होता है और ये जो है कॉम्ब फाउंडेशन कहलाता है मोम का जो प्लेट है और ये आ, म, वर्कर वीज यानी जो श्रमिक मधुमक्खी उसको आकर्षित करता है किस किस चीज़ के लिए कि यहाँ पे वो अपना हाइप बनाए ठीक है थेके? तो ये इस तरह से वर्टिकल फ्रेम्स के फॉर्म में लटके रहते हैं ठीक और इसके बाद क्या होता है कि ये जो इसका रूफ है इसका जो छत है इस ब्रुड चम्बर का इस छत पे क्या होता है कि तार का जाला जो खिड़की में लगाते हैं वैसे ही जाला लगा होता है देखो ये तार का जाला लगा होता है वायर गेज बोलते हैं इसको ये क्या है वायर गेज तार का जाला तो ये जो तार का जाला है वायर गेज ठीक है इसमें जो छेद है बच्चों ये जो छिद्र दिख रहा है इस छिद्र का साइज इतना ही होना चाहिए जिससे सिर्फ वर्कर वीज यानी जो श्रमिक मक्खियां हैं वो निकल सके आर पार जा सके एक्चुअली क्या होता है कि ये जो तीनों कास्ट है यानी हनी बी के जो तीन सदस्य हैं तीन रूप है क्वीन ड्रोन्स एंड वर्कर्स तो इसमें सबसे जो छोटी कास्ट है वो है आ, वर्कर्स यानी श्रमिक सबसे छोटे होते हैं क्वीन जो है वर्कर से तीन गुना बड़े होते हैं ठीक है बड़ी होती है वो क्लियर तो इस तार का चाला जो लगाया है इसका इसमें जो छिद्र है इनका साइज इतना होना चाहिए कि जिससे सिर्फ वर्कर्स जा सके कोई ना जा, जा पाए ठीक है तो ये जो है ये तैयार हो गया क्या ये तैयार हो गया आपका ब्रूड चैंबर ठीक अब हनी चैंबर की बात करें तो ये जो हनी चैंबर होते हैं बच्चों ये इस तरह से छोटे बक्से होते हैं लकड़ी के और इनका तल और छत दोनों खुला होता ठीक है और इस इसमें भी उसी तरह से वर्टिकल फ्रेम्स लगे होते हैं किसके मोम के ठीक है वैक्स प्लेट जो है ये यहाँ पे भी लगा हुआ है वैक्स प्लेट और उस पर ऐसे ही हेक्सागोनल प्रिंट भी बने हुए यानी कॉम फाउंडेशन होता है और ये दोनों ऊपर से भी और नीचे से भी खुले होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं हनी चैम्बर क्योंकि हनी जो मेनली यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए जो हनी जमा होगा वो इस चम्बर में जमा होगा तो इसे कहते हैं क्या हनी चैम्बर क्लियर है बच्चों इसे हनी चैम्बर कहते हैं तो अब करना क्या है कि हमें जितना ज़्यादा हनी कलेक्ट करना है उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा हनी चम्बर लेने पड़ेंगे ठीक है तो इस हनी चैम्बर को जो है इसके ठीक ऊपर रखा जाता है ठीक है ये जो हनी चैम्बर है इसको ठीक ब्रूड चंबर के ऊपर रख रखना होता है फिर और भी हनी चम्बर के ऊपर दूसरे तीसरे चौथे भी हनी चैम्बर हम रख सकते हैं ठीक है ना और ये ऊपर और नीचे दोनों से खुला होता है ठीक जो सबसे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो हनी चैम्बर है बच्चों ठीक है उसको हम करते क्या है कि आ, एक लकड़ी के ढक्कन से ढक देते हैं जो सबसे ऊपर हनी चंबर है उसको लकड़ी के ढक्कन से ढक देते हैं और उसमें कुछ छेद कर देते हैं ताकि अंदर लाइट आ सके अंधेरा जो है वो हनी बीज को पसंद नहीं ठीक ओके और देखो ये जो नीचे सबसे नीचे रखा हुआ है ब्रूड चम्बर इसमें इनलेट है यानी इनलेट मतलब द्वार है ठीक है इसमें द्वार है और इसी से ये वर्कर बीज अंदर एंटर करता तो हमने क्या करा कि एक ब्रूड चंबर बनाया और उसके ऊपर कई हनी चंबर रख दिया अब इस पूरे एपियरी को यानी इस पूरे बक्से को जो है किसी गार्डन ऑर्किड, यानी बाग बगीचे या खेत जहाँ पे फसल हो वहाँ पे रख देते ठीक है और या तो इसमें हम ट्रेडर से यानी विक्रेता से ख़रीद कर एक क्वीन बीज डाल दें और वर्कर्स डाल दें या फिर ये इसे बाग बगीचे में रखने पर खुद ही ये मधुमक्खियाँ जो है इसमें घर बना लेती हैं ठीक है तो जैसे ही क्वीन अंदर आएगी तो वो क्या होगा क्वीन के साथ साथ वर्कर्स भी आएंगे ठीक है क्योंकि क्वीन कभी भी अकेले रहती नहीं है और वर्कर के साथ ही रहती है और वर्कर्स जैसे अंदर आएंगे इधर से एंटर करेंगे ठीक है ना अंदर उन्हें कॉम फाउंडेशन दिखेगा तो ये कॉम फाउंडेशन जो है इस कॉम फाउंडेशन पे वो मोम का घर बनाना शुरू करेंगे ठीक है और जिसे सेल कहेंगे क्या कहेंगे कोस्ट सेल सेल्स है यानी कोस्ट ओके सेल बनाना शुरू करेंगे और उसमें ये उस क्वीन के लिए आ, हनी कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो ये सारे जो प्लेट्स लगे हुए हैं इनमें कुछ ही दिनों में क्या होगा कि कॉम फाउंडेशन में पूरी तरह से सेल बन जाएगा कोस्ट बन जाएगा और उसमें क्या होगा हनी जमा होना शुरू हो जाएगा ठीक है और जो क्वीन है अंदर उस क्वीन को सेल मिल जाएगा रहने के लिए और अंडे देने के लिए तो क्वीन अंडे देगी और उन अंडों से क्या होगा फिर नया जनरेशन आ जाएगा ठीक है ना जब ये सारे प्लेट्स हनी से भर जाएंगे तो क्या होगा जो वर्कर्स अंदर गए हैं उन्हें हनी रखने के लिए नीचे से ऊपर इस ब्रूड चम्बर के ऊपर जो हनी चम्बर रखा हुआ है उस हनी चम्बर में आ, हनी को रखना पड़ेगा ठीक है तो अब क्या करेंगे कि इधर से वो अंदर जाएंगे और इस जाले से पार करके ऊपर वाले किस पे हनी चैम्बर में चले आएंगे और हनी चैम्बर में वो फिर उसी तरह से कॉम्बो फाउंडेशन यानी मोम के प्लेट के ऊपर क्या करेंगे आ, सेल बनाएंगे ठीक यानी कोस्ट बनाएंगे और उस को, उन कोस्टों में वो हनी जमा करना शुरू करेंगे ठीक है तो सारे प्लेट जो इसमें लगे हुए हैं वो भी कुछ दिनों में क्या होगा कि पूरी तरह से भर जाएगा क्लियर तो इस तरह से होता है अब हमें हनी इसे बीच बीच में निकाल कर देख भी सकते हैं ठीक है लेकिन उसके लिए फिर उसका एक अलग ड्रेस होता है ये पूरे बॉडी को कवर करने वाला ठीक है ताकि मधुमक्खी जो है डंक ना लगा पाए ठीक है आगे ग्लास लगा होता है ताकि देख सके ठीक है अब क्या है कि इन प्लेट्स को निकाल कर देखते हैं कि इसमें हनी फुल है या नहीं है जब फुल हो जाता है तो फिर इनमें से प्लेट्स को निकालते हैं हनी को दूर भगा देते हैं और क्या करते हैं कि उस प्लेट को जो है एक हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होता है तो एक चम्बर होता है जिसमें एक्सेस लगा होता है उस प्लेट पे लगा के गोल गोल घुमाते हैं तो अभी अपकेंद्रीय बल के कारण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है कि वो बाहर हनी से बाहर थ्रो हो जाता है यानी बाहर निकल आता है हनी और उस आ, हनी चम्बर में जमा होता है ठीक है और उसके बाद क्या करते हैं उस हनी चमर में नल लगा होता है तो नल से खोल के बॉटल्स में हनी को भर लेते हैं क्लियर और फिर ये जो कॉम फाउंडेशन है यानी मोम का प्लेट है इसको वापस इसमें लटका देते हैं ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल हो सके ठीक है क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेल्स यानी कोस्ट बने होते हैं ठीक है तो दोबारा कोस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं मधुमक्खी फिर फटाफट फट उसे भर देंगे ठीक है तो इस तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं क्लियर है तो ये बक्से जो हैं इन्हें एपियरी कहते हैं ध्यान रखोगे और ये मार्केट से ख़रीद कर, कर लाना होता है ठीक है ये मार्केट से खरीद के लाना होता है और इसी में फिर मधुमक्खी पालन करना होता है तो मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ चीज़ों पे हमें कुछ चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए ठीक है जैसे मधुमक्खियों के नेचर एंड हैबिट कि मधुमक्खियों का क्या प्रकृति है और क्या क्या उसकी आदतें हैं ठीक है दूसरी चीज़ कि Uh, मधुमक्खियों के झुंड को हम कैसे uh, यहाँ तक आकर्षित कर पाए इसका भी आइडिया होना चाहिए फिर डिफ़रेंट सीजन्स में अलग अलग ऋतु में मधुमक्खियों का जो ये पालन कर रहे हैं तो इनका रख रखाव कैसे हो ओके okay? तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए क्लियर है बच्चों तो ये हम लोगों ने uh, मधुमक्खी पालन कर लिया क्लियर चलो अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं अच्छा इस पर बात नहीं करा हमने कि जैसे मद आ, हनी का तो इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया कि हनी जो है इसका यूज ब्रेड बिस्किट जैम ठीक है और फिर बेवरेज ब्यूटी लोशंस कॉस्मेटिक्स इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है फिर मेडिसिनल इसका भी वैल्यू है यानी आ, दवाई के रूप में भी इसको लेते हैं कफ कोल्ड को भगाता है खून बढ़ाता है पेट साफ करता है ना मोम इसका जो रियल प्रोडक्ट वैक्स है इस वैक्स का इस्तेमाल क्या करते हैं बच्चों तो इस वैक्स का भी इस्तेमाल है कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में पॉलिसिस बनाने में ठीक है और साथ ही कार्बन पेपर आप इस्तेमाल करते हो तो कार्बन पेपर जो चिपचिपा होता है तो उसमें ये बी वैक्स ही लगा रहता है ठीक है कैंडल्स वगैरह भी बना सकते हैं यानी मोमबत्ती भी बना सकते हैं ठीक है चर्च वगैरह में देखा होगा तो ये बी वैक्स का कैंडल्स यूज़ किया जाता है क्लियर और बी वेनम के बारे में बता ही दिया कि जोड़ों के दर्द वगैरह के को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो जिसे भी जोड़ों में दर्द होता है तो जोड़ों पे जो है वो वर्कर वी से डंक लगवाते हैं ताकि उसका जहर जोड़ों में चला जाए तो दर्द से राहत मिलती है क्लियर है चलो ये हम लोगों ने कर लिया अब क्या है कि फिसरीज़ मत्स्यकी सकी, फिशरीज तो ऐसे तो इसका र, रियल मीनिंग जो निकल के आता है वो है मछली पालन है ना लेकिन कुछ अंतर है बच्चों तो देर आर थ्री टर्म्स तीन शब्द है ठीक है इन पे ध्यान दो ये जो तीन शब्द हैं वो है पहला है एक्वा कल्चर एक्वा कल्चर दूसरा है फिशरीज और तीसरा है पिस्सी कल्चर एक्वा कल्चर फिशरीज एंड पिस्सी कल्चर ठीक है तो एक्वा कल्चर का मतलब क्या हो बच्चों तो इसका मतलब है जल संवर्धन ठीक है जल संवर्धन और फिशरीज का मतलब मैंने बताया मत्स्य की और पीसी कल्चर जो होता है बच्चों इसमें हम सिर्फ मछली पालते हैं मछली पालन करते हैं इसको कहते हैं मछली पालन या मत्स्य पालन ठीक है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पिसी कल्चर है इसमें सिर्फ फिश सिस यानी मछलियों का पालन किया जाएगा ठीक फिशरीज जो टर्म तो है बच्चों ठीक है इसमें मछलियों तथा तो तो मछलियों के साथ साथ अन्य जलीय जंतुओं का पालन किया जाता है जिसका उपयोग या उपभोग भोजन के रूप में या किसी दूसरे लाभकारी उत्पाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता है तो इसमें जो है फिशेस तो पालेंगे साथ ही साथ प्रॉन ये हो गया मछली झींगा का नाम सुना होगा तो बच्चों ये झींगा जो है मछली नहीं है झींगा क्या है ऐसे बोलते हैं झींगा मछली लेकिन ये झींगा जो है मछली नहीं होते बल्कि ये आर्थोपोडा संध के आ, वर्ग क्रस्टेशिया यानी क्रस्टेशियंस होते हैं प्रॉन हो गया क्रैब हो गया केकड़ा लॉबस्टर, यह भी क्रस्टेशिया में आते हैं लॉबस्टर बोलते हैं इन्हें, लॉबस्टर, ठीक है प्रॉन क्रैब लॉबस्टर उसके बाद आ, कुछ मोलस्क जैसे स्नेल घोंघा ठीक फिर ओस्टर्स, एडिबल ओस्टर खाने वाला ओस्टर, ठीक है एक पर्ल ओएस्टर होता है बच्चे ये सभी क्या मुलस्क में आते हैं मोलस्का संध के सदस्य ठीक है तो एक पर्ल ओएस्टर होता है पर्ल ओस्टर का मतलब मोती का सीप ये खाने वाला सीप है ठीक है तो इसमें जो मोलस्क होता है उसको शल से कवच से निकाल के उसे सीधा खा जाते हैं और एक जो है पर्ल ओएस्टर होता है ठीक है तो पर्ल ओस्टर से हमें मोती मिलता है पर्ल ओस्टर मोती ठीक है मोती मिलता है ठीक है ना तो ये मोती पर्ल कल्चर भी करते हैं ठीक है थेके? तो ये भी एक तरह से फिशरी का ही पार्ट हो गया इसके अलावा शेल फिश होता है शेल फिश ठीक है इसे भी लोग खाते हैं ये भी मोलस्क है है ना तो ये सभी जो है जंतु का पालन ठीक है फायदे के लिए जो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिशरीज क्लियर अब एक्वाकल्चर की बात कर ले तो ये जो एक्वाकल्चर है जल संवर्धन इसमें क्या है इकोनॉमिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी uh, लाभकारी जलीय लाभकारी जलीय पादप तथा जंतुओं का पालन किया जाता है संवर्धन किया जाता है तो लाभकारी जलीय जंतुओं में तो ये सभी आ गए मछली प्रॉन क्रैब लॉबस्टर स्नेल ओएस्टर्स सेलफिश ये सभी आ गए प्लांट के बारे में क्या ख्याल है बच्चों कौन सा प्लांट है जिसे हम कौन सा जलीय प्लांट है जिसका आवर्धन करते हैं संवर्धन करते हैं यानी एक्वाकल्चर में किस किस प्लांट को उगाते हैं तो जैसे रेड अलगी का नाम सुना होगा रेड अलगी ब्राउन अलगी है ना ये सभी क्या है ये सब एक्वेटिक प्लांट है जिसका इस्तेमाल होता है प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो इन्हें भी आ, क्या किया जाता है इनका कल्चर किया जाता है इन्हें उगाया जाता है जल आ, एक्वेटिक आ, माध्यम में जलीय माध्यम में और इनसे जो है हमें प्रॉफिट होती है क्लियर तो चलो ये तीन टर्म तो हम सीख गए एक्वा कल्चर फिशरीज़ एंड पेसीकल्चर ठीक है तो मुझे ये बताओ बच्चों कि आ, भारत में हमारे कंट्री में जो है आ, एक्वा कल्चर या फिशरीज़ या पेसीकल्चर इनका क्या स्कोप है बहुत अच्छा स्कोप है अच्छा भविष्य है या पुअर तो हमारे कंट्री में इन सबका जो है बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो उसका जो साउथ वाला पार्ट है चारों तरफ क्या है समुद्र से घिरा हुआ है है ना ये श्रीलंका हो गया और ये साउथ पार्ट है तो ये चारों तरफ क्या है समुद्री ही है तो एक बहुत ही लंबा साढ़े चार हज़ार किलोमीटर लंबा जो है सी कोस्ट हमारे पास है यानी समुद्री किनारा है क्लियर इसके अलावा क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे नदियाँ हैं पूल्स है पॉइंट्स पूल है तालाब है झरने हैं तो इस वजह से क्या है कि हमारे कंट्री में एक्वा कल्चर फिशरीज़ या कल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है क्लियर यानी इससे जो है हम बहुत पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे फॉरेन करेंसी कलेक्ट कर सकते हैं यानी विदेशी मुद्रा कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है और इन तट तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं इनमें बहुत सारे लोगों का एकमात्र जो जीविका का साधन है ये फिशरीज या एक्वाकल्चर ही है ठीक है ये इनसे ही आ, पैसे कमा कर अपना जीवन चलाते हैं क्लियर तो हमारे कंट्री में बहुत अच्छा स्कोप है एक्वाकल्चर फिशरीज़ का ठीक है तो चलो ज़रा आप फिशरीज़ पे हम लोग बात करें तो ये जो फिशरीज़ है बच्चों तो ये फिशरीज़ में दो तरह के फिशरीज होते हैं ठीक है एक होता है इनलैंड फिशरी और दूसरा होता है मैराइन फिशरी तो इनलैंड फिशरी का मतलब क्या हुआ इनलैंड फिशरी का मतलब होता है बच्चों कि जब हम ये मत्स्य पालन या जल संवर्धन एक्वाकल्चर फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर यानी अलबणीय जल अलवणीय जल या ब्रैकिस वाटर का मतलब क्या हुआ नमकीन जल खारा नहीं खारा नहीं बोलेंगे नमकीन जल नमकीन जल में किया जाए यानी जब जल संवर्धन या फिर मत्स्य पालन Uh, uh, आलवणीय आल जल या ब्रैकिश वाटर नमकीन जल में किया जाए तो इस तरह के फिशरी को हम लोग क्या कहते हैं इनलैंड फिशरी कहते हैं तो इनलैंड फिशरी जैसे फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर में क्या आ लवणीय जल चाहिए तो इसके लिए रिवर है पॉन्ड्स है यानी नदी तालाब पूल्स झरने ठीक है इन सब में हो सकता है और ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब है बच्चों तो ब्रैकिश वाटर यानी नमकीन जल का मतलब है कि वो जगह जहाँ पे आ, नदी और समुद्र दोनों के जल आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे जगह को हम कई नामों से जाते हैं जैसे स्टूअरी ऐसे जगह को हम कई नामों से जानते हैं जैसे स्टूअरी यानी मुहाना बोलते हैं इसे लैगून का नाम सुना होगा आपने है ना स्टोरी लैगून ठीक है लैगून कहते हैं और मैन ग्रुप का नाम सुना होगा मैन ग्रुप मैन ग्रुप का मतलब हो गया क्या दलदली जगह दलदली जगह ठीक है तो इन सब जगह पे जो फिशरी करते हैं उसे हम कहते हैं इनलैंड फिशरी ओके और मैराइन फिशरी तो जानते ही हो कि मैराइन फिशरी में क्या आएगा तो मैराइन फिशरी में समुद्री की हो गया होगा ठीक है हो समुद्र में खारा जल क्लियर ओके अब क्या है बच्चों कि ये जो फिशरीज में जो टूल्स uh, यानी औजार इस्तेमाल करते हैं फिशरीज़ में उसे फिश गियर्स कहते हैं फिश गियर्स ओके और जो बोट इस्तेमाल करते हैं यानी नाव ठीक है बोट नाव जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं क्राफ्ट uh, कहते हैं फिश क्राफ्ट कहते हैं फिश क्राफ्ट क्लियर ओके अब ऐसा है बच्चों कि ये जो आ, फिसरी है ठीक है तो इसमें ज़्यादातर लोग मछलियाँ खाते हैं है ना? तो ये जो मछलियों वाला मछलियाँ हैं तो मछलियाँ फ्रेश वाटर फिशेस भी यानी अलबणीय जल के मछलियाँ भी खाए जाते हैं और जो मेराइन फिशेस होते हैं ठीक है तो मैराइन फिशेस भी यानी समुद्री मछलियाँ भी खाए जाते हैं क्लियर है ना तो जो कॉमन श वॉटर फिशेस यानी सामान्य और मछली, और अलबणीय मछलियां जो है सामान्य अलबणीय मछलियां जो है बच्चों उनमें रोहू कतला और कॉमन कार्प्स ठीक है का नाम सुना होगा आपने तो ज्यादातर फ्रेश वाटर जो फिशेस होते हैं उनमें इन फिशेस को खाया जाता है रोहू रोहू कतला और सामान्य कार्प्स ठीक है लेकिन जो मेराइन फिशेस है बच्चों यानी समुद्री मछलियाँ जो है मेराइन फिशेस तो उन मेराइन फिशेस में कौन सी मछलियाँ हैं जो ज़्यादा खाई जाती है तो वो है सार्डीन जिसे सैलमन भी कहते हैं सैलमन ठीक है फिर मैकेल मेकेरिल फिर पॉम्फ्रेट पोम्फ्रेट और साथ ही साथ एक और मछली का नाम सुना होगा हिल्सा हिलसा, हिलसा। हिलसा मछलियाँ ठीक है तो ये सभी समुद्री मछलियाँ जिन्हें ज़्यादातर लोग पसंद से खाते हैं ठीक है, है? हिलसा के बारे में आप जानते ही होंगे कि हिलसा मछलियाँ जो है ब्रीडिंग के लिए यानी जनन के लिए अंडे देने के लिए एक सीज़न में किसी खास सीजन में क्या करते हैं समुद्र से कहाँ चले आते हैं नदी में चले आते हैं नदियों में चले आते हैं और यहाँ अंडे देखे ये वापस जाते हैं समुद्र में है ना चलो इन मछलियों को ज़रा देख लें तो देखो जैसे ये है रोहू है ना रोहू लेबियो रोहिता बोलते हैं लेबीओ लेबियो रोहिता है ना और ये है कतला ठीक है एक मिनट ये लेबियो है ठीक है यानी रोहू और इसी से मिलता जुलता जो है कतला होता है ठीक है और ये जो फिगर दिख रहे हैं ये सभी समुद्री मछलियों के जैसे ये है हिलसा ये है हिल्सा ठीक है ये है पॉम्फ्रेट ठीक है ये मैकरल्स हो गए ये सभी क्या है मैकरल्स मैकरल्स हो गए और ये सार्डीन या सैलमन जो है ये मछली है क्लियर बच्चों ओके अब ये आ, जो है फिशरीज है तो इस फिशरीज़ में जैसे मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट है ठीक है अब जैसे खासकर पिसी कल्चर की बात करो पिसी कल्चर यानी मछली पालन तो इसमें सिर्फ मछली ही पालते हैं मछली पालन तो इसमें ओनली फिशेस सिर्फ मछलियाँ होती हैं तो इसमें क्या है मोनोकल्चर एंड पोली मोनोकल्चर एंड पोली कल्चर का कॉन्सेप्ट है ठीक है तो मोनोकल्चर का क्या मतलब है बच्चों तो मोनोकल्चर का मतलब है देखो जैसे मान लो ये कोई पॉन्ड है यानी कोई तालाब है तो इसमें सिर्फ मछलियों के एक ही स्पीसीज़ को मछलियों के सिर्फ एक ही स्पीसीज को डाला गया ठीक है ना तो अगर सिर्फ पॉन्ड में एक ही स्पीसीज को यानी तालाब में या टैंक में अगर सिर्फ एक ही स्पीसीज मछली के एक ही स्पीसीज को पाला जाए तो दिस इज़ कॉल्ड एज मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर में क्या है मोर देन वन स्पीसीज यानी एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को पालते हैं ठीक है एक से ज़्यादा स्पीसीज को पॉलीकल्चर में इसी टैंक में जो है एक से ज़्यादा स्पीसीज को डाल देते हैं उनको साथ साथ ही उनका पालन करते हैं तो ऐसा इन दोनों में ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है बच्चों मोनोकल्चर या पॉलीकल्चर तो ध्यान रखोगे कि, कि ये पॉलीकल्चर जो होते हैं ये ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होता है तो उसका कारण क्या है कि जैसे ऐसे समझो उसको कि जैसे मछली पालन कर रहे हैं तो मछलियों को खाना देना होता है ना भोजन देना होता है तो इसको कहते हैं क्या फ़िश मील बोलते हैं ठीक है क्या कहेंगे फ़िश मील भोजन होता है ये तो ये जो फ़िश मील है बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है प्लांट वेस्ट्स होते हैं एनिमल वेस्ट्स होते हैं मतलब आ, पौधे जिनको हम नहीं खा सकते हैं वो इन्हें खिला देते हैं जंतु मांस मछली वगैरह मांस वगैरह का जो पार्ट जो हम नहीं खाते हैं, वो डाल देते हैं फिर टूटे हुए दाल चावल वगैरह सब कुछ इसमें डाल देते हैं ठीक है ना तो वो जो फूड होता है तो उस फिश मील का कुछ भाग जो है पानी में डालने के बाद क्या होता है कि सतह पर ही प्लवन करता रहता है लेकिन कुछ भाग जो है वो सीधे बॉटम पे, यानी तल पे आके गिर जाते हैं, और कुछ भाग जो है उस फिश मील का वो बीच में पानी में क्या करता है लटका रहता है तो मछलियों का एक अपना नेचर होता है ठीक है कुछ मछलियाँ जो होती है वो बॉटम डोलर होती है मतलब तल पे पड़े हुए भोजन को ही खाएंगे। कुछ मछलियाँ जो है सरफेस फीडर होती है यानी सतह पर जो आ, भोजन प्लवन कर रहा है सिर्फ उसे ही खाएंगे ठीक है ना और कुछ मछलियाँ जो हैं वो कॉलम फीडर होती है मतलब यानी बीच में जो लटके हुए भोजन है पानी में उनको खाएंगे। तो अगर एक स्पीसीज अगर हम डालते हैं मोनोकल्चर करते हैं तो मछलियाँ जो है सिर्फ एक ही जगह के भोजन को खा पाएंगे या तो सरफेस का या बॉटम का या बीच का बाकी भोजन की बर्बादी होगी तो इससे हमें नुकसान होगा लेकिन पॉलीकल्चर अगर करेंगे तो क्या होगा कि हम तीन तरह के स्पीशीज डाल देंगे एक ही टैंक में ठीक है ना एक तो सरफेस फीडर यानी सतह पर खाने वाला ठीक है फिर एक बॉटम फीडर डाल देंगे यानी तल पे जो भोजन पड़ा है उसे खाने वाला और एक कॉलम फीडर डाल देंगे यानी बीच में जो लटका हुआ है पानी में भोजन उसे खाने वाला तो भोजन के एक एक दाने की क्या होगी कीमत की भरपाई होगी और हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा ठीक है तो जनरली जब पॉलीकल कल्चर करते हैं तो उसमें तीन तरह के स्पीशीज डालते हैं ठीक है सरफेस फीडर जो डालते हैं वो है कतला ये क्या है सरफेस फीडर यानी सतह पर खाने वाला सतह भोजी ठीक है फिर लेबियो डाल देते हैं लेबियो मतलब रोहू तो ये है कॉलम फीडर यानी स्तंभ भोजी और फिर एक सरहिना मृगला मछली जो है इसका नाम है मृगल तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सिरहिना मृगला ये तो हो गया कतला ये हो गया रोहू और ये हो गया सिरहिना मृगला तो ये जो है बॉटम फीडर है यानी तलभोजी बॉटम फीडर तल भोजी तो क्या होगा हर जगह भोजन का उपयोग होगा और वो मछली के ही शरीर में जाएगा और वो हमें वापस मछली से प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होगा क्लियर है बच्चों तो इसी को बोलते हैं पॉलीकल्चर एक ही टैंक में जो है एक से ज़्यादा स्पेसिस डाल और ये ज़्यादा लाभकारी होता है ध्यान रखोगे अब चलो जरा मछलियों से कुछ जो प्रोडक्ट मिलते हैं उस पर बात करें ठीक है इस पर सवाल पूछा जाएगा अब जैसे कॉड लिवर ऑयल का नाम सुना होगा आपने यानी कॉड यकृत तेल कॉड यकृत तेल तो ये विटामिन ए डी तथा ई e, रिच बहुल्य तेल है यानी इस तेल में जो है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई e ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसका इस्तेमाल जनरली क्या है भोजन बनाने में भी कर सकते हैं ठीक है और शरीर की मालिश में भी करते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए तो ये जो कॉड लिवर ऑयल है बच्चों ये मिलता कहाँ से तो एक कॉड मछली होती है कॉड फिश ठीक है उसके लिवर से ये तेल निकाला जाता है क्लियर है ओके इसके अलावा शार्क ग्रीन का नाम सुना होगा शाह तो ये जो शाह ग्रीन है बच्चों इसका ये क्या है तो ये शार्क ग्रीन शार्क मछली का नाम सुना होगा है ना तो शार्क मछलियाँ जब मर जाती है तो उनके त्वचा को निकाल लेते हैं और उनके त्वचा पर स्केल्स होते हैं शल्क होते हैं शार्क्स स्किन विद स्केल्स ठीक है ना शलकों के साथ शार्क मछली की त्वचा ठीक है शल्कों के साथ शार्क मछली की त्वचा तो इसको प्रिजर्व कर देते हैं इसे संरक्षित करके लेदर बनाते हैं यानी चमड़ा बनाते हैं और चमड़े का इस्तेमाल ये जो चमड़ा है जो शार्क की मछली के त्वचा से बना है इसे ही शागरीन कहते हैं और इसका इस्तेमाल ध्यान रखो कि बच्चों के चीज में किया जाता है तो ज, आ, बैग जैकेट ल, लेदर के जो भी सामग्री होते हैं उनको बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ ही साथ ही तलवार का जो हैंडल होता है उस पर भी लगाते हैं ताकि ग्रिप पकड़ अच्छे से रहे फिसले ना ठीक है तो ये भी एक फिश प्रोडक्ट है इस के अलावा एक और चीज पूछा जा सकता है ऐसे कहते हैं इसिंग ग्लास इसेंग ग्लास ये इसिंग ग्लास क्या है बच्चों तो जो कार्प्स अभी बताया था कार्प्स एंड कैट ये जो मछलियां होती हैं तो ये सभी अस्थिल मछलियां हैं और आपको पता है कि जो भी अस्थिल मछलियां होती हैं उनमें क्या होता है कि अस्थिल मछलियों के शरीर के अंदर हवा से भरा हुआ एक ब्लैडर होता है तो इसे एयर ब्लैडर वायु कोश कहते हैं ठीक है या स्विम ब्लैडर भी कहते हैं वायुकोश या इसे स्विम ब्लैडर भी कहते हैं तो ये तैरने के दौरान मछलियों को उत्प्लावन प्रदान करता है ठीक है तो इन काप्स और कैटफिशेस के एयर ब्लाडर में हाई ग्रेड कोलेजन प्रोटीन होता है इनसे जो है ना इनके एयर सिम ब्लाडर या एयर ब्लाडर से कोलेजन प्रोटीन निकाला जाता है और इस कोलेजन प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं इसिंग ग्लास कहते हैं क्लियर है इस कोलेजन प्रोटीन को ही इसिंग ग्लास कहते हैं और इस इसिंग ग्लास ये ट्रांसपेरेंट होता है तो इसका भी इस्तेमाल जो है प्लास्टिक के फॉर्म प्लास्टिक का जैसे करते हैं ना तो इसके भी जैकेट्स बैग्स पर्स और हनी ठीक है आर्टिफिशियल जो हनी है इससे बनाया जाता तो क्लियर बच्चों तो ये मत्सिकी यानी फिशरीज हम लोगों ने भी कर लिया तो ये जो स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट था ठीक है ना तो अब अगले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज इस क्लास बस इतना ही जय हिंद जय राजधानी